नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HFF न्यूज़ में। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो है पाकिस्तान की उस गिरी हुई हरकत को लेकर जो उसने चंद्रयान को लेकर बयानबाजियों के जरिए की है। दोस्तों आपको बताएं कि कभी बल्ब की कल्पना की वैज्ञानिकों ने, तो फिर बल्ब का आविष्कार हुआ। एडिसन ने बल्ब बनाया जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है। वैज्ञानिकों के बारे में खास बात होती है कि जब भी वो कोई आविष्कार करते हैं तो उनका वो आविष्कार किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी मानव जाति जो है उसका इस्तेमाल करती है। और ऐसा ही कुछ भारतीय वैज्ञानिक भी इसरो में करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके नतीजे उम्मीद के मुताबिक सामने नहीं आए। दोस्तों जिसे लेकर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग जो है वो अपने अलग अलग देशों में भारत की इस नई उड़ान को लेकर जागते रहे और देखते रहे कि आखिर क्या नतीजा सामने आने वाला है। लेकिन एक देश ऐसा भी रहा जो इस मिशन के फेल होने की पूरी तरीके से एक कहे दुआएं कर रहा था, और वो देश था पाकिस्तान। और पाकिस्तान अगर साइंस की इस बात को समझ जाता तो फिर पाकिस्तान पाकिस्तान ही क्यों रहता। पाकिस्तान के ही एक नेता हैं, मंत्री हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं फवाद हुसैन। फवाद हुसैन ने इसरो के इस मिशन के पार्शली फेल होने के बाद में एक ट्वीट किया, और ट्वीट के जरिए जो बात उन्होंने कही वो बेहद शर्मनाक थी। उन्होंने इसरो के इस मिशन पर कहा कि जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना डियर इंडिया। फवाद हुसैन का ये ट्वीट आया जिसके बाद में तमाम भारतीय यूजर्स जो थे वो फवाद हुसैन के पीछे पड़ गए। उन्होंने अलग अलग तरीके से फवाद हुसैन के इस ट्वीट को टारगेट करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि इस तरीके से तो आपको देश भी चलाना नहीं आता, तो क्या आपको देश चलाना छोड़ देना चाहिए, आपने देश का मजाक बना रखा है। तो कोई बोला कि जिस पर तुम्हारी औकात नहीं उस पर मुंह नहीं खोलते डियर पाकिस्तान। दोस्तों फवाद हुसैन यही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कई सारे ट्वीट किए, और सारे के सारे जो ट्वीट थे वो इंडिया के इस मिशन को लेकर के, जिसका हैशटैग उन्होंने इंडिया फेल्ड दिया। उन्होंने लिखा कि सो जाओ भाई, मून के बजाय मुंबई में उतर गया तुम्हारा खिलौना। लेकिन इस बीच तमाम ट्रोलर्स जो थे उन्होंने फवाद हुसैन को पूरी तरीके से घेर लिया था। लोग अलग अलग तरीके से फवाद हुसैन की जो है खिंचाई कर रहे थे। इसमें कई लोग जो है भारतीय सेलिब्रिटी भी शामिल थे, तो कुछ लोग जो थे वो ट्विटर यूजर्स थे। फवाद हुसैन इस बात से काफ़ी घबरा गए। उन्होंने उसके बाद में एक और ट्वीट किया कि उन्हें काफ़ी हैरानी हो रही कि इस तरीके से भारतीय ट्रोल्स जो हैं वो उन्हें टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद वो लिखते हैं, मैं थोड़ी हूँ जिसकी वजह से ये मिशन फेल हुआ। हमने कहा था क्या कि 900 करोड़ लगाओ इन नालायकों पर, अब सब्र करो और सोने की कोशिश करो। इसके बाद वो मोदी को उस वीडियो को भी टारगेट करते हैं जिसमें मोदी हमारे वैज्ञानिकों के हौसला अफजाई करते हुए उनसे कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया और पूरे हिंदुस्तान को उन पर गर्व है। इस पर फवाद हुसैन ट्वीट करते हैं, मोदी ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे कि वो खुद एक एस्ट्रोनॉट हों। दोस्तों इस बीच कुछ पाकिस्तानियों ने भी खुद उन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी क्या भाषण दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि एक पाकिस्तान के तौर पर कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों साफ तौर पर इन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को नालायक तक कह दिया, उन वैज्ञानिकों को जिनका लोहा नासा तक मानता है। मंगलयान के वक्त नासा ने खुलकर भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ की थी, और भारतीय वैज्ञानिक जो भी साइंस या रॉकेट मिशन को अंजाम देते हैं उससे मिलने वाले इनपुट का इस्तेमाल नासा तक करता है। और पाकिस्तान जैसा देश भारत के 900 करोड़ रुपए की फिक्र कर रहा है। हालांकि कुछ यूजर्स का दोस्तों इस बीच ये भी कहना था कि भारत के मिशन की एक कामयाबी ये भी रही कि उसने रात भर फवाद हुसैन को जगा कर रखा। और फवाद हुसैन ही क्यों, पाकिस्तान के तमाम नेता जो हैं जरूर इस मिशन को देख रहे होंगे। फवाद हुसैन की इसे गिरे हुए बयान पर आपकी क्या राय है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखें। अगर आपको HFF न्यूज़ की खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।